हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, मुमताज लाइफ में। तो आज है मंगलवार, जय श्री राम। वही मंगलवार का मैं पूजा कर रही थी घर पे। आज हम लोग का है व्रत, तो आज हम लोग रागिनी दीदी के घर घर पे पूजा करके वहीं पे हम लोग तीनों देवरानी जेठानी वहीं पूजा वगैरह करेंगे, फिर से कथा वगैरह पढ़ेंगे और वहीं पे आज पूरे दिन हम लोग को बिताना है। तो ये ब्लॉग आज उसी पूजा पाठ के ऊपर है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, बहुत कुछ है देखने के लिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। हम लोग मंदिर वगैरह भी गए हैं, किस तरह हम लोग बैठ के पाठ वगैरह करते हैं वो सब भी आप लोग देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ये मंगलवार हम लोग का लास्ट है, मंगलवार हम लोग जैसे इतवार बैठाते हैं उसी तरह से हम लोग ये बैठाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए और पूजा का आनंद लीजिए। महाप्रभु सो तुम दास के सो कहीं जानते हैं बचियो ना मैं सो जो बिना सुदी लायो यहां पर गुजारो हेरी तके तट सिंधु सबे तब लाए सी आसु दी प्राण है उबारो को नहीं जाने ते जग में कभी संकट मोचन ना मतियारो रावण दास गई सी को सब रथ से सो कहीं सो कहीं मारो काही समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज नी चले मारो साहत सिया जो कसु आगी सुदे प्रभु मुद्री का सो कहीं मारो को नहीं जाने ते जग में कभी संकट मोचन ना मतियारो मेरे बिगड़े काम जानने ले आने से मेरे बन जाए बिगड़े काम जानने तेरे आने से मेरी गलिया देवा सोनी परी है मेरी गलिया देवा सोनी परी है सोनी परी है देवा सोनी परी है सोनी परी है देवा सोनी परी है मेरे गलियों में जानने ले आने से मेरे गलियों में मिल जाए तुम जानने तेरे आने से मेरे बने जा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा वो प्यारे वही जो सीना में छुपाएगा वो का प्यार उसके जैसी संतान हमारी ओ लव उसके जैसी संतान हमारी हो बुदाया सूरी डल मारे नाई ने बुदा सब संत जन तारे सूर्य नर मुनि जने आरे ती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे पंचन काल कपूर लौटाई आरती करे दे अंजन माई जो हनुमान जी की आरती गावे मैं ही गए कुंत परम पद पावे रंगति कंठ की हे रघुराई तुलसी दास कवि आरती गावे आरती की जय हनुमान जी लाती सूत जन हनुमान जी लाती आरती की जय हनुमान जी लाती सूत जन हनुमान जी तमेव विद्याधरणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बाबा के दरबार में मैया कहे सो साईं इतना दीजिए समय कुरम सहा मैं भी भूखा ना रहूं साधु बिन भूखा जाय ओम नमः महादेव की जय बोलना जस गुना जय मुक्ति नाथ की जय सुगंध गंध में होगा कर दो माता ऐसा क्या दीदी करना है हमको लगा बाबा बाबा होगा तो उसके बाद होगा बाबा 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 बाद में होता है। हाँ बाद में सही होता है, रिकॉर्डिंग करके दे देंगे।
हम गए थे ना वहाँ पे, आधा भूल गए बीच में, फिर उल्टा पुल्टा गा दिए। अरे तो होगा ना कोई वीडियो कोई ब्लॉग में। हाँ पर हमको लगा कि हमको याद होगा, हम पूजा में गा ले, हमको क्या पता था हम बीच में भूल जाएंगे। कभी मौसमी खट्टा है, है। एक तो वो था पीला वाला, हम नहीं काटे हैं, ले आए रनिया हम तो। खट्टा बा, खाली मन फ्रेश हो जी। तो हम लोग का पूजा आरती ये सब सब खत्म हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं फलाहार। फलाहार मैंने प्रसाद ले रहे हैं, चाय पानी पियेंगे, प्रसाद खाएंगे और वही बैठ के हम लोग खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग सोचे कि क्या करेंगे दिन भर, तो फिर हम लोग वहाँ से मार्केट गए। अक्षय तृतीया था तो सोचे कुछ हम लोग को ले लेना चाहिए, तो दीदी लोग भी बोले चलो चलो मार्केट चलते हैं, वहाँ से जाके लेके आएंगे। तो वही हम लोग गए थे मार्केट, और क्या दीदी लोग के दो एक एक नोज पिन ली, मैं पायल ली, वही सब ले होके फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो बैटरी रिक्शा में बहुत हवा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और दीदी को बहुत ठंडा लग रहा था, उनको बोल रही थी बहुत ठंडा लग रहा है। मौसम तो ऐसे ठीक था हम लोग के यहाँ का। उसके बाद वहाँ से फिर गए थे घर, जाके फिर हम लोग का जो खाना पीना रहता है एक टाइम हम लोग खाते हैं, जो चाय पूरी मिठाई वगैरह ये सब। तो वही बैठे हुए हैं हम लोग सब, देवरानी जेठानी मैं दीदी तीनों हम लोग एक साथ बैठे हुए थे। अब बहू रानी भी व्रत की हुई थी तो वो भी थी, तो घर पे आए तब तक रेडी था ये सब। तो फिर हम लोग खाए पिए, उसके बाद वहाँ से फिर मंदिर जाना है शाम को, तो खाते पीते तो शाम हो ही गया। उसके बाद में हम लोग गए सब कोई मंदिर, तो चलिए आपको बाबा का भी दर्शन करवा देंगे। हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ बातें वगैरह कर रहे हैं हम लोग। राम राम बाबा जी, कहाँ चले गए थे? थोड़ा ऐसे ही गए थे। अच्छा, बाबा के लिए भी और यहाँ मंदिर में चल रहा है सत्संग। कुछ महिलाएं कुछ दिन से आई हुई थी तो वही वहाँ पे थी, तो दिन भर पूजा पाठ वगैरह शाम को सत्संग वगैरह होता था, तो अच्छा लगता था देख के। और हम लोग का अब ख़त्म हो गया पूजा पाठ यहाँ, इसके बाद हम लोग घर जाएंगे यहाँ से। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो और हाँ, आप लोग को एक खुशखबरी भी देना, हमारे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है, हमारे घर में एक छोटा सा देखिए कौन आया है। तो हम लोग फिर से बन गए हैं दादी, मेरी बड़ी वाली बड़ी जेठानी का पोता हुआ है। तो देखिए कितना प्यारा है, इतना सुंदर लग रहा है एकदम देख के। तो उसी का कुछ फ़ोटो वगैरह मैं लगा दी हूँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा और कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा पिंकू। तो बाय बाय।